पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं फिरूंगी आपकी वजह से वापस जा रही हूँ जल्दी, नहीं तो मैंने यहाँ पे और डकी भाई आप हमें मिस करेंगे। हम दोनों की तरफ से इन दोनों को खाना है भाई, वैसे बहुत तंग हुए हैं जब से हम यहाँ पे हैं। पहली बार हम यहाँ से बाहर निकले हैं और बाहर निकल के बड़ा मजा आता है। अच्छा सा खाना खाएंगे किसी अच्छी सी जगह से ताकि हम अपना लास्ट डे यूएई में मेमोरेबल बना सके। फाइनली पहना, देखो जरा इतना सामान पैक ही नहीं हो रहा इतना तुम्हारा। अरे मैंने अरूप टांग फंसाने लगी थी अंदर। तीनों वीडियोस में अलग अलग मिलने का तरीका क्यों? सारा दिन निकल गया भाई पैकिंग में। आप सोच रहे होंगे भाई काहे की पैकिंग, भाई आज है हमारा यूएई में लास्ट डे फाइनली। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। दे थॉट कि मैं 8 तारीख को वापस आ रही हूँ, बट मैं जा रही हूँ पहले क्योंकि अरीब ने कहा था कि उसने भी जल्दी निकलना है, मतलब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया था। मैं तो सिर्फ यहाँ शशके वशके के लिए रुक रही थी कि यार हम थोड़ा और घूम लेंगे, हमें टाइम मिलता था काम से। अच्छा बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपने काम की वीडियो नहीं, भाई उन्होंने मुझे प्रॉपर बोला कि आप हमारी सेट की पिक्चर, हमारे गेटअप्स जो आपने गेटअप्स बनाए हैं वो आप रिवील नहीं कर सकती, जब वो हमारा प्रोजेक्ट रिलीज होगा देन यू कैन शो। तो मैं उन सब लोगों के सवालों का जवाब दे दूं जो ये कह रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट की वीडियो हम बना ही नहीं सकते, तो मैं आपके लिए स्पेशली थक हार के काम से आके फिर हम लोग कहीं घूमने जाते थे। होप सो के बहुत से लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे। खैर दिन शुरू हो चुका है और मैंने जो है ना वो अपनी सारी पैकिंग कर ली है। ये देखे मेरे छोटू मोटू लड्डू शड्डू सारे, मेरे भालू शाही सारे, मिठाई के डब्बे तैयार है, मेरा बैग छोटा बैग, पासपोर्ट वगैरह, और ये मेरी सच्ची में मेरे बगैर कैसा लगेगा यार। हम लोगों ने सुना पहले एक दिन पूरा दिन मैं होटल में सा फिरूंगी यार तुम्हें तुम अब नाउ यू कैन लिव विद योर हस्बैंड। यार आई वाज लिविंग विद हिम मतलब इट्स नॉट कि मैं उसका बहुत दूर थी, मिलते थे पूरा दिन, घूमते थे। हां रात को सोने हम आते बस यहां पे। ये देखिए ये रूममेट हम लोगों को, लेकिन मिस करोगी। आज हमारा लॉन्ग डे अगली रुलाएगा क्या गाइस? ये हम दोनों ओवर एक्टर की दुकान में नहीं मैं मजाक में ओवर एक्टिंग नहीं कर रही मैं। सच्ची कह रही हूँ। अच्छा गाइस मैं आपको बताऊँ, मैं वाकई में मैं अपनी बहनों के बाद ना मैंने कभी दोस्तियाँ नहीं की, बट शी एज द वन जिसके साथ बहुत मजा आया। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई है हमारी किसी पता है मुझे भी कमेंट आया हुआ इतने दिनों से इकरा के साथ तो एक भी बार लड़ाई नहीं हुई। नहीं भाई ये आपको बता दे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, मजा आया। खैर हम लोग साथ में मेकअप करना मिस करेंगे। हम लोग रोज वीडियोस बनाते थे, हम रील्स बनाते थे और रील्स बना के लॉबी में बैठ के हंसते थे। वो तो वीडियो कभी आउट ना करते, वो लगेगी मैं एक वीडियो इंस्टा पे लगाऊंगी, वो लोग आप लोग लाजमी देखेगा। लड़के अपना शुगर करते रहते थे लेकिन जो हम लोगों ने फन किया ना एक्चुअली ये हमारा ट्रिप था। अभी हम लोगों ने पैकिंग वैकिंग कर लिया है, अभी सिर्फ हम लोग जो है वो करने वाले हैं कहीं बाहर जाते हैं खाना नहीं खाया। हाँ, अभी तो टाइम है, इतने लड़कों के कमरे में चलते हैं देखते हैं वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, यार ये लड़के हजरात इधर वो काम इधर वो काम, ये दोनों बस यहाँ पे काम काम काम। अरीब चले वापस, आपकी वजह से वापस जा रही हूँ जल्दी, नहीं तो मैंने यहाँ पे और रुक जाओ। मैंने तो खुद कहा था रुक जाओ ना जाओ, आ जाना काम करके खत्म करके आ जाना। हाँ मैंने मेरा प्लान था इन लोगों के साथ, लेकिन पता है क्या वो मेरी फैमिली का भी एक ट्रिप प्लान हुआ हुआ है यानी कि मेरी वजह से नहीं जा रही। चलो ये तो तुमने एटलीस्ट क्लियर कर दिया ना। अरे मैं आपकी वजह से जा रही हूँ क्योंकि आपके बगैर यू नो गुड डिसीजन। तो अब आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हो? डकी भाई आप हमें मिस करेंगे। मैं तो आप लोगों को कह रुको सारे फिर इतना करते करते आए हैं तो एक साथ ही वापस चलने का मैंने सोचा था। मैं तो नहीं यार अब निकलना चाहिए मेरे ख्याल से बहुत अरीब के जितने एक साथ ही आए थे हमारी वजह से वो लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। बस अब मेरे ख्याल से चलना चाहिए, काफी ज्यादा हो गया, एंजॉय करते हैं फिर इंशाल्लाह आएंगे कोई ट्रिप प्लान करते हैं कंफर्म मजे का। वो हम अपनी शादी के बाद करेंगे, निकाह के बाद अरीब फिर हम करेंगे प्लान। और ट्रिप भी यार दुबई शुबई छोड़ो ये चलते हैं यार मरी शरीर 50,000 खाने का देते हैं तो यार अल्लाह वैसे कसम से बताऊं ना जो हम लोगों ने
इतने पैसे खर्च किए ना यहाँ पे, कसम से अल्लाह हमें उससे ट्रिपल देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मेरी 10 times आपको भी मुझको भी। कहते हैं अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करो, खाओ और पियो। तो फिर कर रहे हैं। तो फिर उस रिस्क में से खर्च करो और हम तीनों को अच्छा सा खाना खिलाओ आज। हम दोनों की तरफ से इन दोनों को खाना है। इन दोनों ने हमारी वजह से बहुत तंग हुए हैं, तो अब आज इनको हमारी तरफ से डिनर होगा। आपकी वजह से तो डक्की भाई बहुत तंग हुए होंगे। वो मेरी अच्छी रूममेट थी, आप बताएं। हम लोग बैठ के काम करते थे, एडिटिंग मतलब बड़ा मजा आता। अच्छा यार, और हमेशा बड़ी खिड़की वाला कमरा लेते। अब बस निकलते हैं, खाना शाना खाते हैं, पैकिंग हमारी हो चुकी है, फिर यहाँ से सीधा एयरपोर्ट निकलेंगे। लेकिन अच्छा सा दिन आज यूएई में स्पेंड करते हैं, लेट्स गो। जब से हम यहाँ पे हैं पहली बार हम यहाँ से बाहर निकले हैं, और बाहर निकल के बड़ा मजा आता है। हम जाते ही हम टैक्सी में बैठ जाते हैं। आज उतना गंदा मौसम नहीं है जितना पहले। आज गर्मी नहीं है उस तरह की ज्यादा। हम लोग जो है ना वो फाइनली खाने शाने के लिए निकल चुके हैं। मौसम इतना प्यारा है कि दुबई भी उदास है, तुम लोग जा रहे हो। हाय अल्लाह, सिर्फ फरूक को हमारे जाने का दुख है। अच्छा सा खाना खाएंगे किसी अच्छी सी जगह से, ताकि हम अपना लास्ट डे यूएई में मेमोरेबल बना सके। भाई मैं तो कह रही हूँ जाने से पहले अगर इस जगह से अच्छा शुआरमा मिलता है। वो देखो, पीछे ग्रिल हो रहा है। ओ अच्छा, पड़ा हुआ वहाँ पे, वो देखो जी ग्रिल, ग्रिलो ग्रिल। मुझे बस सबसे अच्छी चीज यूएई की लगी है, मुझे इनके शुआरमा बहुत अच्छे लगे। वहाँ का फेमस तो शुआरमा ही है। हाँ, अरबियों का वैसे शुआरमा आया। और हुमस, शुआरमाज एंड हुमस। अरे इनके पास गेम भी है, वो कह रहे हैं मतलब यार मेरी एक बात याद रखना, जब किसी भी मेन्यू में गेम होती है इट्स मीन के वो मेन्यू बनाने में टाइम ज्यादा लगा। ये भी पॉइंट है। ये पॉइंट नहीं है, ये हकीकत है। दे वांट के तुसी बैठ के खेलो। पेन तो दिया नहीं, फिर कैसे करेंगे। फाइनली पेन आ, देखो जरा, देखो जरा, क्योंकि मैं जीतती हूँ। ये देखो जरा, शुरू होती है। अरु बस शुरू होते ही कहाँ गलत हार गई हो, हार गई हो। अरु फिर देखो दो रास्ते बदल चुकी हो, हार चुकी हो, फिर फंस गई। ओ गड्डी लेके तो फंस गया, फंस गया, फंस गया। 400 रास्ते बदले और अब हो गया। अब मेरा टर्न देखना। तुम करती हो तुम्हें पता है। हाँ, मैं लाइफ में, मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जिंदगी हमेशा उल्टी चलती है, उल्टी दिशाओं में। चलो फंस गई हो। नहीं नहीं रुको। इस पजल में मैं जीती हूँ, अरीब जीत के है। डक्की तुम बड़ी मुश्किल से जीती हैं, और आपका भी वही हाल है। मैं शुरू से शुरू होते ही हार गया। ये देखो सेम, वो उसने हार मानी नहीं, वो आगे चलती कि आप हार गई। मैं जीती थी सबसे पहले, मैंने जीती। चार चार ये आया जी। अब हमारा क्या खाना है? हमने स्टार्टर सूप पकवाई है। रूप के काम होने की ना, रूप ने रूप को सबसे ज्यादा सूप पसंद है। ये आई है असल चीज। ये ऐसे लग रहा है बोरियों में किसी ने ना बंद करके मजे का आया। ये पिंग्स हैं, ये छोटे, ये देखो लग रहा है घोड़े का मुंह लग रहा है इधर से देखो ऐसे। फाइनली हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, ठीक है। एक तो मैं ये फाइनली इतना बोलती हूँ, जैसे फाइनली मेरी अम्मी का नाम जो है वो जाके अपनी पैकिंग शैकिंग जो रिमेनिंग रह गई है वो करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। नहीं बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, बस निकलते हैं जल्दी जल्दी। एयरपोर्ट की टैक्सी पे करते करते एक फ्लाइट आ जानी है जितने की। है वाकई अरीब साहब जो है ना, इतना सामान पैक ही नहीं हो रहा इतना तुम्हारा। अरीब मैंने सारा जहेज जो लेके आई थी ना वापस अब जा। जहेज बोला माफ करें। कितना वजन है मेरे बैग का? ये भाई चेक कर लो मेरा बैग, सारी चीजें वगैरह देख लो। सब देख लिया मैंने। मैं अब हाँ सब, मैं फिर भी बैग चेक कर लेता हूँ। आप देख लो, तुम्हारे व्लॉग देख रही हूं। ओह गुड गर्ल हमारा व्लॉग देख रही है। गुड गर्ल हम लोग जाने लगे हैं बस। मेरा जो है ना वो 15 मन का जो बैग है वो अरीब के लिए 15 मन। रेस लगाओ रेस। मुझे लग रहा है कि ये सारे बैग सिर्फ लिफ्ट में पूरे आएंगे, हम मैंने तो, मुझे तो था कि हम लोगों के पास टाइम होगा घूमने फिरने का, लेकिन नहीं मिला यार। अभी लोगों ने कहा ना तुम लोग इतने दिनों से घूम फिर नहीं रहे, तो क्या कर रहे हो? मेरा छोटू यही उसका कीमा बन जाना था। मैं पहले जाती हूँ, बाद में मेरा सामान आएगा। हमेशा किसी ना किसी को दबाते हैं।
देखा बस अब आप इसको नहीं, अब आप इसको यहाँ पे पड़े रहने दो, कुछ नहीं होगा। चलो 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 अरूप टांग फंसाने लगी थी अंदर। यार ये लिफ्ट हमें बहुत तंग कर रही, जाते जाते वो हमें बता रही है, वो कह रही है ना जाओ, तुसी क्यों जा रहे हो, तुसी मत जाओ। खत्म, चलो आप दोनों जाओ। चलो 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 बैग देखना। हाँ बैग तो देखो, एक दो तीन चार बैग देखना। तुम शिफ्ट होने आई थी? एक छोटा सा सिर्फ अरीब का बैग है, बाकी ये सारे। अल्लाह माफ करे, ये शिफ्ट होने आई थी लड़की। मैं नीचे से वापस ऊपर आ गया। आप लोगों को लेने आए थे, आप लोगों के बगैर वो सूट केस हिल ही नहीं रहे थे, लिफ्ट भी नहीं हिल रही थी, लिफ्ट गई थी, अपने दो लोग तो ऊपर छोड़ा है। सामान की शिफ्टिंग का वक्त हुआ जाता है। अगर तो जुदाई का समय हुआ चाहता है। I'll miss her. तीनों वीडियोस में अलग अलग मिलने का तरीका क्यों? समझ नहीं आ रहा है। ये हम असली गाना मिल गए। हे ब्रदर, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे भेजें। बाय गाइस, बहुत लोग आया, आ जाए आप लोग भी, पाकिस्तान चलते हैं, आ जाए। ओह माय गॉड, बिल्कुल जगह नहीं है गाइस। फाइनली हम लोग ना एयरपोर्ट पहुंच गए, अभी भी माई टैक्सी जो है ना वो लैंड की। ये तो बिल्कुल खाली आ रही है। वो लेट्स सी कि हमारा बिल कितना बनता है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 30 मिनट का सफर है ये हम कितने में तय करते हैं। लेट्स सी, अरे कितना। आ जाए आ जाए आ जाए, आप अकेले ही जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, पूरा टर्मिनल खाली है। क्या है? नो नो, इट्स नॉट माइन, चेक कर लें आप एक बार। इनका सिस्टम बहुत अच्छा है गाइस, यहाँ पे रह के पता लगता है कि सिस्टम क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है। ये पूरा जगह ही खाली है। जब हम आए थे तो कितना रश था, और अब हम जब जा रहे हैं तो सब खाली है। हाँ, ये अबू धाबी का एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल रश नहीं है। मेरे ना पैर पे बहुत बुरी तरह लग गया सूटकेस, जिसकी वजह से अरीब ये उठा के जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा। मेरे ना यहाँ पाँव पे बहुत बुरी तरह लगी है। ये वाली मस्जिद में गाइस हमने आज जाना था, लेकिन हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम लोग नहीं जा सके। फिर कभी सही इस मस्जिद में जाएंगे। मेरी बात सुने। yes. एक तो इतने बोरिंग टर्मिनल पे मुझे ले आए हैं, सही है। यू सेड के हम लोग ना वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे, ठीक है। मेरी आधी से ज्यादा चीजें रह गई थी। अरीब ने कहा ड्यूटी फ्री पे जाएंगे, वहाँ सारे ब्रांड्स भी हैं, सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो चलते हैं। हाँ, वहाँ से चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ना कहीं एक जगह रहते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी टाइम है, फ्लाइट टू फ्लाइट डिले भी है। हाँ, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो फिर जाते हैं। ठीक है ठीक है, अभी चलें हम चॉकलेट्स को। सिर्फ चॉकलेट्स के अलावा कुछ नहीं है अरीब, ये सारी चीज़ें वैसे ना वहाँ से भी लेते हैं, यहाँ से जो प्रीमियम चॉकलेट्स वगैरह है, ठीक है, लेके फिर दूसरे टर्मिनल पर चलते हैं, वहाँ से चीज़ें लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। शुक्र है कि टाइम है फ्लाइट को। अरे ये वाली बड़ी मज़े की होती है यार, ये वाली एक ये ले लेते हैं, और एक मुझे अरे ये इस पे ऑफर लगी हुई है, बाय टू गेट वन फ्री। हाँ दो ले लो, ये दो ले लेते हैं ना, तो साथ में एक ये फ्री। चलो ठीक है, ठीक है ना। सो गाइस, मैंने यहाँ से जो शॉपिंग वॉपिंग थी वो कर ली है, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग दूसरे टर्मिनल पे जाके काफ़ी चीज़ें लेके आए, अपने घर वालों के लिए ली हैं मैंने, वो आपको दिखाऊंगी जब मैंने सबके अरीब की तरफ से भी अपनी सालियों के लिए दिखाएंगे। चलो ठीक है, अब निकलते हैं। वो देखे जरा, पूरी बोर्डिंग होने लगी है। यही ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ, और मैं आपको ये बता दूँ अगला ब्लॉग बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि मेरे घर पे किसी को नहीं पता मैं आ रही हूँ, ठीक है। फुल सरप्राइज। आपके घर पे तो पता है, मेरे घर पे नहीं पता, ठीक है। तो अभी मैं निकलने लगी हूँ, इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।